हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एक 12 बाय 12 के रूम में फॉल सीलिंग कराने में कितना खर्चा आएगा जिप्सम फॉल सीलिंग का। क्योंकि फॉल सीलिंग बेसिकली तीन तरह की सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं, जिप्सम फॉल सीलिंग, पीओपी फॉल सीलिंग और पीवीसी फॉल सीलिंग। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली जिप्सम बोर्ड की सीलिंग का खर्च बताऊँगा। और अगर आप फॉल सीलिंग के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारी फॉल सीलिंग के ऊपर पिछली इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लो ये हमारा एक रूम है 12 बाय 12 फीट का, मींस इसका सीलिंग यानी कि छत का साइज है लेंथ इंटू विड्थ 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144 स्क्वायर फीट। अब अगर इसकी ट्रे की बात करें तो ये जनरली 18 इंच की ली जाती है, मींस डेढ़ फीट की चारों साइड से डेढ़ फीट अंदर। देखिए, मान लो इसे हम नाम दे देते हैं A1 साइड, इसे A2 साइड और इसे हम नाम दे देते हैं B1 साइड और इसकी अपोजिट वाली साइड को B2 और ट्रे की इस साइड को हम नाम दे देते हैं X1 और इसे X2 और ट्रे की इस साइड को हम नाम दे देते हैं Y1 और इस साइड को Y2। इससे समझने में आसानी होगी। तो ये आपकी फॉल सीलिंग की टोटल 8 साइड्स हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अब इनका एरिया कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले फॉल सीलिंग की मेजरमेंट करने के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि फॉल सीलिंग का एरिया स्क्वायर फीट में भी होता है और रनिंग फीट में भी। मींस जो प्लेन हॉरिजेंटल सीलिंग होती है उसे हम स्क्वायर फीट में मापते हैं और जो वर्टिकल फर्मा होता है अंदर वाला, कोफ के अंदर वाला, उसे हम रनिंग फीट में मापते हैं। तो अगर सबसे पहले फॉल सीलिंग के हॉरिजेंटल एरिया की बात करें तो सबसे पहले अगर हम ये A1 साइड लें तो इसकी लेंथ है 12 फीट और विड्थ है 18 इंच यानी कि डेढ़ फीट। तो A1 साइड का एरिया हो गया 12 गुना 1.5 L इंटू W इज इक्वल टू 18 स्क्वायर फीट और A2 का एरिया भी सेम होगा 12 इंटू 1.5 L इंटू W इज इक्वल टू 18 स्क्वायर फीट। अब आ जाओ इसकी B1 साइड पर और क्योंकि ये दोनों साइड हमने पूरी ले ली हैं A1 और A2 साइड की एरिया कैलकुलेशन में, तो दोनों साइड से डेढ़ फीट कम हो जाएगा और ये लेंथ बचेगी B1 और B2 की 9 फीट। तो B1 का एरिया हो जाएगा, लेंथ है 9 फीट इंटू विड्थ है डेढ़ फीट इज इक्वल टू 13.5 स्क्वायर फीट और B2 का एरिया भी सेम रहेगा 9 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 13.5 स्क्वायर फीट। अब दूसरा, अगर हम वर्टिकल फर्मे का एरिया कैलकुलेट करें जो हम रनिंग फीट में मापते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल फर्मा या कोफ के अंदर 4 से 5 इंच का पट्टा रहता है जो दिखाई बहुत कम देता है और एक कोफ का 2 से 2.5 इंच का पट्टा रहता है, तो इसके हम दो गाइडलाइन ले लेते हैं। तो X1 हो जाएगा 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 रनिंग फीट और इधर X2 भी सेम रहेगा 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 रनिंग फीट। ऐसे ही इस Y1 साइड का भी सेम रहेगा 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 रनिंग फीट और Y2 का 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 रनिंग फीट। तो ये टोटल एरिया हो जाएगा अगर स्क्वायर फीट में देखें तो A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 18 प्लस 18 प्लस 13.5 प्लस 13.5 इज इक्वल टू 63 स्क्वायर फीट। और अगर रनिंग फीट का एरिया देखें तो X1 प्लस X2 प्लस Y1 प्लस Y2 इज इक्वल टू 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 72 रनिंग फीट। तो हमारा टोटल सीलिंग एरिया हो जाएगा एरिया इन स्क्वायर फीट प्लस एरिया इन रनिंग फीट इज इक्वल टू 63 प्लस 72 इज इक्वल टू 135 स्क्वायर फीट। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन जरूर पैदा हो गई होगी कि मैंने ये रनिंग फीट का एरिया स्क्वायर फीट के एरिया में कैसे जोड़ दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर का रेट रनिंग फिट और स्क्वायर फिट का सेम ही होता है, इसीलिए मैंने ये टोटल कर दिया। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर रनिंग फिट वाले आइटम का रेट कम भी लेते हैं तो फिर आपको रनिंग फिट का एरिया अलग ही रखना है, पर ज़्यादातर का सेम ही रहता है इसलिए मैंने जोड़ दिया है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर है। अब अगर टोटल सीलिंग एरिया देखें तो हमारा हाई सीलिंग एरिया आया था 144 स्क्वायर फिट और ट्रे का एरिया आया है 135 स्क्वायर फिट। तो ये टोटल एरिया हो जाएगा हाई सीलिंग एरिया प्लस ट्रे एरिया इज इक्वल टू 144 प्लस 135 इज इक्वल टू 279 स्क्वायर फीट। अब जनरली जो मार्केट में जिप्सम फॉल सीलिंग का रेट चल रहा है वो चल रहा है 60 रुपये से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट तक। तो अगर कम से कम रेट भी लेकर चलें तो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 279 इंटू 60 इज इक्वल टू 16,740 रुपये। एक 12 बाय 12 के रूम में जिप्सम फॉल सीलिंग कराने का कम से कम खर्चा, मीन्स इतना तो लगना ही है, इससे कम नहीं हो सकता। आइए अब मैं आपको 5 टॉप ब्रांडेड जिप्सम बोर्ड की कंपनी के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ जिनके जिप्सम बोर्ड आज इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं। और हाँ, यहाँ मैं किसी भी ब्रांड को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बस आपकी एक गुड टू नो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हुए ये पता कर सके कि वह कौन सा जिप्सम बोर्ड यूज करने वाला है। दोस्तों, एक जरूरी बात कि इंडिया में
जिप्सम बोर्ड 6x4 फीट के साइज में आते हैं 12.5 mm तक की थिकनेस में। तो सबसे पहला है जिप्रोक का जिप्सम बोर्ड जो सेंट गोबिन कंपनी का है, इसकी क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर होती है। सेकंड है इंडिया जिप्सम, ये जिप्सम बोर्ड भी इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉल सीलिंग के लिए। थर्ड है यूएसजी बोर्ड का जिप्सम बोर्ड, यह भी काफी अच्छा ब्रांड है। फोर्थ है जिपकोर का रेगुलर जिप्सम बोर्ड, यह जिप्सम बोर्ड भी काफी फेमस है फॉल सीलिंग के लिए। और फिफ्थ है आर्मस्ट्रांग का जिप्सम बोर्ड, यह बोर्ड भी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और ये सभी बोर्ड आपको 180 रुपये पर बोर्ड से 350 रुपये बोर्ड तक मिल जाते हैं, जो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। तो आई होप कि अब आप इसे अच्छे समझ गए हैं। और एक बात, अगर आप खुद से सामान खरीदकर सिर्फ लेबर रेट देकर फॉल सीलिंग कराएंगे तो आपके ये 4 से 5 हज़ार रुपये और सस्ता पड़ेगा विद मेटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को काम देने की तुलना में। अब फैसला आपको करना है कि आपको काम कैसे कराना है। तो आज की वीडियो में यही तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइज। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।